بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप कवर करने के बाद ये पूरा चैप्टर आराम से कवर कर सकते हैं। इन 5-6 टॉपिक्स को आप याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड में इन टॉपिक्स से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। और यही वो टॉपिक्स हैं जिनकी मदद से आप बोर्ड में A1 ग्रेड भी ला सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके बाद है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। देखें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास ज़्यादातर लॉन्ग में आता है और नील बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास शॉर्ट में आता है। तो इसके हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके पोस्टुलेट्स जहनशीन कर लीजिएगा। यह आपके शॉर्ट्स में अक्सर बेशतर आते रहते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये थोड़ा अनकॉमन है लेकिन मैंने इसलिए इसमें आपको इंक्लूड कर दिया है कि आप, ये आप पे डिपेंड करता है उसे याद करें ना करें, लेकिन ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंस है इसके अंदर, क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया कि आप इसको याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आगे चल के आपको फर्स्ट इंटर में आपके पास रिवाइज होगा ये आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक। तो अगर आप इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो बहुत आसान है। आप इसको दो मिनट में आप इसको समझ लिया तो फिर आप खुद भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन करके वर्किंग करके और इसकी कंस्ट्रक्शन आप तीनों बयान करके आराम से इसको लिख सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब मैंने आपको बता दिया, डिस्चार्ज ट्यूब होता है क्या, इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखकर आप एवरीथिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आपको MCQs के लिए चाहिए तो आप MCQs के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का मास और चार्ज याद कर लीजिए। तो आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। इससे बाहर इंशाल्लाह पेपर नहीं आएगा, बोर्ड का पेपर इसमें से ही आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी मदद मिली है अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।